जिला चंबा के उपमंडल सलोनी के धनेली में एक व्यक्ति के हत्या के मामले में आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार न करने पर गुस्साए अभिभावकों व ग्रामीणों ने पुलिस थाना कीहर के प्रभारी हरनाम सिंह का घेराव किया, साथ में मुर्दाबाद के नारेबाजी की। साथ में उन्होंने पुलिस को दो शब्दों में कहा कि जब तक पुलिस मामले में संलिप्त चारों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है, तब तक सड़क से नहीं उठेंगे। चक्काजाम से सड़क की दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लगी है और लोग परेशान हैं। मगर सुबह 10:30 चक्काजाम ग्रामीणों ने चक्का काम किया, मगर अब तक जिला प्रशासन एसपी चंबा मौके पर नहीं पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर से शिव भक्त मणि महेश यात्रा के लिए गाड़ियां लेकर आए हैं। बहुत शिव भक्त भी चक्का जाम में फंसे हैं। 12 अगस्त को उपमंडल सलोनी के एनएचपीसी के बौरा सयुल में सुरंगानी में राजेश कुमार अनिवार्य निवासी सेवा पर था, वहां से वह गायब हुआ है। और 13 अगस्त को परिजनों ने पुलिस थाना किहार गुमशुदा की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और 16 अगस्त को उसका शव बौरा सयुल नदी सुरंगानी में शव मिला और पुलिस ने 174 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया, जबकि परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में चार लोगों का पर हत्या करने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया, मगर पुलिस द्वारा मामले में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार न करने पर गुस्साए अभिभावकों के साथ ग्रामीणों ने बुधवार को पुलिस थाना कीहर में आकर थाना प्रभारी का घेरा करने के साथ मुर्दाबाद के नारेबाजी की। सात आरोपियों को गिरफ्तार उसके समक्ष करने की मांग को लेकर अड़े रहे। हालांकि थाना प्रभारी ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पुलिस आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करेगी, मगर उसके बावजूद ग्रामीण अभिभावकों के साथ पुलिस थाना के बाहर सड़क पर चक्का पर बैठ गए। चक्का जाम से दिन भर गाड़ियां सड़क पार खड़ी रही और लोग परेशान हुए। इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से मौके पर कोई नहीं आया। आपका फैसला के लिए डलहौजी से अश्विनी साही की रिपोर्ट।